नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। मध्य प्रदेश में सोमवार शाम मौसम एकदम बदल गया। तेज हवा पानी के साथ कई जिलों में ओले भी गिरे, खेतों में लहलहाती फसलें बिछ गई। मंगलवार सुबह साफ होते ही किसान जब खेतों में पहुंचे तो फसलों को देखकर फूट फूट कर रोने लगे। नर्मदापुरम, राजगढ़, विदिशा में ज्यादा नुकसान बताया जा रहा है। मंदसौर में 35 दिन में तीसरी बार ओले गिरे हैं। यहां अफीम की फसलों के डोडे टूट गए। फसल पानी में धुलने से अफीम के पत्ते भी टूट गए। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मंदसौर में खेतों का मुआयना किया। रतलाम, रायसेन और मनावर धार में भी फसलों को नुकसान हुआ है। बड़वानी में खेत में कटी रखी फसल भी आधी उड़ा ली गई। वहीं जबलपुर में कोरोना ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। जिले में करीब 58 दिन बाद कोरोना का केस सामने आया। इसके पहले 7 जनवरी तक कोरोना पॉजिटिव सक्रिय मरीजों की संख्या शून्य थी। वहीं सोमवार को निजी लैब से जारी रिपोर्ट के बाद अब जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 1 हो गई। CMHO डॉक्टर संजय मिश्रा के मुताबिक राइट टाउन निवासी 75 वर्षीय बुजुर्ग में कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए गए। दरअसल बुजुर्ग का नागपुर में ऑपरेशन था। प्रोटोकॉल के तहत बुजुर्ग ने अपना कोविड टेस्ट निजी लैब से कराया, जिसके बाद सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं बुजुर्ग के कोरोना संक्रमण का पता चलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम एक बार फिर हरकत में आ गई। ये थी आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।